माशाल्लाह माशाल्लाह। आज के दिन की हसरत थी मुझे जब मेरे बेटे की दुल्हन इस घर में आएगी। ये जोड़ा भी मैंने अपनी बहू के लिए बनवाया था, तब तो तुम्हें मैं जानती भी नहीं थी। जिसके लिए इतनी ख्वाहिश से जोड़ा बनवाया उसे तो पहनना ही नसीब नहीं हुआ। नहीं बेटा, जिसके नसीब में था उसने पहन लिया। आशीबा जी के नसीब में तो ना ये जोड़ा था ना भाई का साथ। सॉरी अम्मी। चलो बेटा, मैं तुम्हें खुद मोमिन के कमरे में छोड़ कर आऊंगी। नहीं, वो तस्वीरें बनानी है भाभी के साथ पहले। चलो ठीक है, तस्वीरें बनवा लो फिर ले जाऊंगी। दिखाओ मुझे। एनी, कैमरा ले आओ। अरे आंसा, अच्छा किया तुम आ गई। अभी मैं फोन करके तुम्हें बुलाने ही वाली थी। मैं तो समझी आप उससे नाराज होंगी। आंसा, तुम बहन हो मेरी, तुम जितनी बार नाराज होगी मेरा दिल तुमसे मिलने के लिए उतनी बार मजबूर करेगा। अच्छा बताओ, जमील ठीक है? हाँ ठीक है, कह रहे थे आने के लिए। मैंने कहा पहले मैं चली जाऊं। आ जाता बेशक, जब अल्लाह के फैसलों को तस्लीम कर लिया है तो फिर अल्लाह के बंदों से नाराज की कैसे। आशी के बारे में नहीं पूछेंगी? उसके लिए तो दिल से दुआ निकलती है मेरे कि अल्लाह उसे जिंदगी में हर मुश्किल से महफूज रखे। हाँ, वो मफरी और ऐनी मिली थी उससे मार्केट में, सुनकर तसल्ली हुई कि वो अपने घर में खुश है। अब आशी की खुशियां तो इस घर से जुड़ी हुई है, वो तो वक्त ने उसे। छोड़ो ना इन सब बातों को, तुम आओ मेरे साथ, मुझे किसी से मिलवाना है तुम्हें। आओ। आओ आंसा। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम। मोमिन ने माया से निकाह कर लिया। मैं सोच रही थी तुम्हें और जमील को आज खाने पर बुलाऊं, लेकिन ये सोच कर रुक गई कि अगर तुम लोगों ने इनकार कर दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुबारक हो आपको बेटे की शादी। खैर मुबारक। खाला को अच्छा नहीं लगा। हो सकता है आंसा को ये बात अच्छी ना लगी हो कि मैंने आंसा से जिक्र नहीं किया। वाह, जैसे उन्होंने तो अपनी बेटी की शादी हमें बताकर की थी। क्या हुआ, कुछ कहा आपा ने? अगर आपा ने कुछ सुना दिया तो सुन लेती, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? आपा ने तो मुझे कुछ भी नहीं सुनाया। ये कैसे मिली जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
तुमने बात की? मैंने तुमसे कहा था कि मैं चले जाता हूँ, बात कर लेता हूँ, सुन लेता हूँ उनकी बातें, इसमें क्या शर्म? बेटी के सुख का मामला है। आपा भी आपको बुलाना चाह रही थी। तो ठीक है, मैं जाके बात कर लेता हूँ। आप नहीं कर सकेंगे। क्या हुआ? क्योंकि आपा ने मोमिन की शादी कर दी है। आज ही उसकी दुल्हन घर आई है और आज ही हमारी बेटी वापस आई है। जमीली, सब क्यों हो रहा है हमारी बेटी के साथ? क्यों खुशियां हर बार हमारी बेटी से दूर चली जाती हैं? काश आशी ने पहले बता दिया होता तो आज ये सब ना होता। आशी ने तो पहले ही कहा था कि जो भी उसके साथ हो रहा है उसकी खबर मोमिन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, और अब अगर उसे ये पता चलेगा कि मोमिन की शादी हो गई तो उस पर तो एक और कयामत टूट पड़ेगी। नहीं, आशी को कुछ ना बताना। क्यों छुपाना चाहते हैं आप आशी से? कहीं वो मोमिन की शादी की खबर सुनकर फखर को अपना मुकद्दर ना मान ले।